हेलो फ्रेंड्स, कॉर किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक इंडो चाइनी डिश है जो सभी को बनानी आती है नॉर्मली। वैसे तो ये है मेरे मैं नाम पर नहीं बताऊँगी अभी। इसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड आनियन, अब ये मैं लूँगी चॉप्ड बीन्स, चॉप्ड कैरेट और चॉप्ड कैप्सिकम, और ये जो मैंने जो गाजर इसमें यूज़ किया है, कैरेट जो यूज़ किया है वो मैंने इंग्लिश वाला ही यूज़ किया है। आप चाहें तो दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ अदरक और गार्लिक थोड़ा सा, और मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर अपना विनेगर 2 चम्मच के करीब। मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया है। अब मैं 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर नमक। फ्रेंड्स, मैं इसमें ये मैदा डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लावर हो तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, पर मैदा हो तो बेस्ट है। अब मैं इसको इस साथ मिक्स करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक तरह के मंचूरियन बॉल ही हैं, पर मंचूरियन बॉल के लिए जो वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ा सा और बारीक होना चाहिए, उसको कद्दूकस कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया अंदाजे से सोया सॉस 1 चम्मच के करीब ही। मैं आपको बता रही थी एक्चुअली ये बच्चे ने डाइट के हिसाब से खानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें मैदा वगैरह जो है वो कम ही डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी। 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा लिया है। अब मैं पानी डाल के इसको गूंदूँगी आटे की तरह। देखिए, अब ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको मैं वैसे बनाना चाहती हूँ, मैं इसमें मैदा और डाल सकती थी। अब मैं इसको कोफ्तों की तरह इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मैं आपको बता रही थी इसको मैं और मैदा डाल के, और जो सब्जियां हैं उसको कद्दूकस भी कर सकते थे, पर बीन्स उसमें कद्दूकस नहीं होती, तो मैंने इनको ऐसे ही चॉप कर लिया है। इसको आप अगर और सब्जियां थोड़ी पतली होती, एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दिखें भी। मैं इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि लोग काफ़ी लोग डरते हैं। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लिया है। उधर मेरे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, इधर मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाल के मैंने जिंजर गार्लिक चॉप डाल दिए थे। बाकी जो बची हुई वेजिटेबल्स थी जिसमें कैरेट था, बीन्स थे और आपका था कैप्सिकम, उन सबको भी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा जलाना भुनाना नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ही हल्का सा उसको सब्जियों को सॉटे करना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है चॉप अनियन, एक बड़ा चॉप्ड अनियन मैंने इसमें डाल दिया है। अब बस इसी जितना मैंने ऑलिव ऑयल लिया था उसमें इसको मैं फ्राई कर दिया है, मैंने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना पानी। पानी से डालने से सब्जियां और सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सोया सॉस का, साथ में इसमें भी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब नमक। आप नमक वगैरह जो भी है, नमक मिर्च जो है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है वही 2 बड़े चम्मच केचप के। इधर ये मैंने अरारोट ले लिया है 2 चम्मच, इसको मैं पानी में घोल लूँगी। इसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर दूँगी, इससे जो इसका टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। इसको मैं पका दूँगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अपने आप। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से, और जो मैंने अरारोट या कॉर्नफ्लावर जो भी डाला था, ये देखिए जैसे जैसे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा मेरी ग्रेवी का। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी लूँगी, रीज़न बिहाइंड इट के जो मैं कोफ्ते इसमें डालूँगी उसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, कोफ्ते जो है वो पानी जो है सोख लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब चीनी, ये मैंने डाल दिया है काली मिर्च और गरम मसाला मिक्स करके, ये मैंने दे लिया है 1 चम्मच के करीब देगी मिर्च। देगी मिर्च इसलिए एक तो स्पाइसी भी हो जाएगा और इससे कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस ग्रेवी का। देखिए अभी जैसे ये पानी पानी सा टेक्सचर लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जब उबाला लगाऊंगी अपने आप ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये उबाला लगते ही, ये देखिए कितना इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया है। देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है और बहुत ही
आप इसको आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो। अब मैं धीरे धीरे जो मैंने कोफ्ते बनाए हुए थे वो मैं कोफ्ते इसमें ऐड कर दूंगी। मैं चाहती थी इसके कोफ्ते जैसा टेक्सचर है, तभी मैं इसको इंडो चाइनीज़ बोल रही थी, क्योंकि चाइनीज़ तो हम सभी खाते हैं, है सब कुछ सेम ही है, पर मैं चाहती थी कि एक तो इसमें मैदा कम लगे और दूसरा वेजिटेबल्स जो हैं वो दिखें, इसलिए मैंने इनको कोफ्तों जैसा बनाया है। देखिए कोफ्तों की तरह ये तैयार हो गए हैं, आप इसको राइस के साथ, नूडल्स के साथ या खाली वैसे ही खा सकते हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। बस।